नूरपुर की पंचायत छतरोली के 18 वर्षीय विशाल सेन ने भूटान में आयोजित अंडर 19 चौथी साउथ एशियन ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपना और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। 5 और 6 जनवरी को भूटान के फुस्टोलियन शहर में आयोजित हुए उत्तक प्रतियोगिता में 92+ किलो भार वर्ग में विशाल ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 3 मुकाबलों में अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। नूरपुर क्षेत्र के इस युवक की सफलता पर न केवल परिजन बल्कि क्षेत्र के लोग भी गदगद हैं। विशाल का कस्बा जसूर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। जगह जगह लोगों ने विशाल को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। विशाल को खुली जीप में बिठाकर उनके गांव छतरोली लाया गया। भूटान में आयोजित होने वाली उत्तक प्रतियोगिता में हिमाचल की 6 खिलाड़ियों चयनित हुए थे, जिनमें नूरपुर क्षेत्र से एकमात्र विशाल का चयन हुआ था। 5 और 6 जनवरी को भूटान में हुए 3 मुकाबलों में उसका प्रदर्शन अव्वल रहा और वह अपने प्रतिभागियों पर भारी पड़ा, जिसके चलते वह गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहा। इससे पहले विशाल ने राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर पदक जीता था। वहीं 6 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित ओपन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में विशाल ने 5वां स्थान हासिल कर हिमाचल का नाम रोशन किया है। भूटान में जीत हासिल करने के बाद विशाल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच अमित कुमार चौधरी, अपने परिजनों और अपने चाहने वालों को दिया तथा कहा कि उनका अगला लक्ष्य वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जिसमें वह अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए और कड़ा अभ्यास करेंगे। गौरतलब है कि विकासखंड नूरपुर के गाँव छतरोली के मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखने वाले विशाल राजकीय देहरी महाविद्यालय में बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र है और पढ़ाई के साथ साथ वह अकादमी राजा का तालाब में उत्तक खेल का प्रशिक्षण ले रहे हैं। जो हम लोगों के लिए यही है, जो भी बंदे बोलते हैं गेम्स नहीं खेले हैं, सबसे पहले वो तो एक कोई ना कोई तो स्पोर्ट्स खेले, और सबसे बड़ी बात है कि बंदे बोलते हैं कि स्पोर्ट्स नहीं खेली सिर्फ पढ़ाई करें, तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स भी जरूरी है। और सर इससे है कि आपका मन एक तरफ लगेगा और सर आपका मतलब नेगेटिव साइड्स के लिए आपका मन नहीं जाएगा। विशाल के कोच अमित कुमार चौधरी भी उनकी कामयाबी पर बेहद खुश हैं और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए विशाल को और भी कड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। हमारी 7 सदस्य टीम जो थी वो भूटान में गई थी। चौथी साउथ एशियन चैंपियनशिप आयोजन जो था वो भूटान ग्रैपलिंग संघ ने करवाया था। 5 से लेकर 6 जनवरी तक ये चैंपियनशिप जो था भूटान के फुस्टोलियन शहर में करवाई गई है। इसमें हमारे 6 बच्चों के मेडल आए हैं। इसमें हमारे 5 गोल्ड हैं, 3 हमारे सिल्वर मेडल हैं और 1 हमारा ब्रॉन्ज मेडल है। इसमें सर्वप्रथम जो है वो प्रियंका ज्वाली से जो है लड़की, उसके 2 मेडल हैं गोल्ड मेडल। इसमें ग्रैपलिंग में 2 तरह की प्रतियोगिता होती है, इसमें 1 घी होती है 1 नो घी होती है। जो प्रियंका ने दोनों तरह की जो है प्रतियोगिता में 1-1 मेडल लिया है, गोल्ड मेडल लिया है। उसके बाद हमारा अभिलाष ठाकुर हैं, इन्होंने घी ग्रैपलिंग में सिल्वर मेडल और नोगी ग्रैपलिंग में गोल्ड मेडल लिया है। और ये जो लड़का है वो गूंगा और बहरा है, इसने अपने से सक्षम लड़कों के साथ जो है प्रतियोगिता लड़ी है और उनको हरा के जो है मेडल जीता है। और इसके बाद जो विशाल सिंह जो हैं और उन्होंने सिर्फ 1 ही कॉम्पिटिशन में भाग लिया था नोगी ग्रैपलिंग में, और इसी में जो है स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और इसके बाद हमारी एक रीमा देवी है, इन्होंने 2 रजत पदक लिए हैं दोनों प्रतियोगिताओं में। फाइनल मैच ये हारी हैं लेकिन उन्होंने रजत पदक पर अपना जो है अधिकार बना के रखा। इसके बाद हमारे अर्जुन कुमार हैं, ये हमारे ज्वाली से हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है की ग्रैपलिंग में। मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरा बेटा आगे जाके ओलंपिक खेले, ओलंपिक में गोल्ड जीत के आए, मतलब कि और काफ़ी बुलंदियाँ कुछ हुए और मेरा गाँव का भी काफ़ी सही हो गया। स्कूल आदर्श भारती पब्लिक विद्या वाहिनी आदर्श भारती पब्लिक स्कूल संजय शर्मा जी प्रिंसिपल हैं, उनका भी काफ़ी इसमें योगदान है, और अमित कुमार चौधरी जी हैं उनका भी काफ़ी इसमें योगदान है, और मेरे सभी रिश्तेदार मतलब गांव के सभी लोग जो हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि सभी के सहयोग से आइए यहाँ तक पहुँचा है। और सबसे पहले मैं भगवान श्री साईं राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम सब जितना भी जोर लगा ले पर भगवान की इच्छा के बगैर कुछ पता तक नहीं था, और मुझे उस रब पर बहुत भरोसा है कि वो इस बच्चे को कहीं ना कहीं काफ़ी आगे तक पहुँचाएगा। एक तो हमारा ये सेवादार नागरिक का सदस्य है, दूसरा हमारे ब्लॉक का नौजवान साथी है, इसने पूरे गांव का पूरे नूरपुर ब्लॉक का हिमाचल का नाम रोशन किया है। मेरी मांग है सरकार से इसे अच्छा कोई मान सम्मान दिया जाए पूरा, कहीं ऐसे नौजवान साथियों की हेल्प की है जो कि आगे भी बाहर स्टेटों में जाए और उनके अपने पूरे हिमाचल का पूरे हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन करें,
उसलिए दुआ करेंगे पूरी भगवान से भी और पूरा गांव हमारी मन से नागनी माँ की तरफ से ये उनके आशीर्वाद है, उनका सेवा के हमारा सदस्य है तो ये आगे बढ़े इसी हमारा जी। ये हमारे स्कूल के लिए एक बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है क्योंकि हमारे स्कूल का ये बच्चा जो है पहले भी इसने सिल्वर मेडल राष्ट्रीय स्तर पर लिया है, अब यह है जो है इसने ग्रैपलिंग में जो है वो गोल्ड मेडल लिया है। इसके लिए स्कूल को एक बहुत गर्व है और हमें हमेशा जो है वो अपने बच्चों पर गर्व रहेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि विशाल की तरह और भी हमारे बच्चे जो है वो इसी तरह से जो है गोल्ड मेडल लें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लें और साथ में विशाल जो है हमारे आगे आने वाले बच्चों के लिए भी एक जो है वो प्रेरणा का स्रोत है और मैं चाहता हूँ कि विशाल आगे जो है ओलंपिक के लिए तैयारी करे और ये हमारा बच्चा जो है वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आए।